टू माई क्लास. दिस इज अवर लेक्चर नंबर टू ऑफ काइनेमेटिक्स चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ओके, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ओके, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस वो यहाँ पे लिख दिया हूं एक एक करके मैं. ठीक है, डिराइव कर रहा हूं. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैं एग्जाम्पल दिया था ना, क्या एग्जाम्पल दिया था ना, जो तुम्हारा होम टू प्रगति कॉलेज में जो, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ है उसको डिस्टेंस बोलेंगे, जो शॉर्टेस्ट पाथ उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ठीक है, तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर टू. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज आर द की पॉइंट्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, तो स्पीड एंड वेलोसिटी तो एक्चुअली सिलेबस में रिमूव कर दिया है, फिर भी हमको जानना चाहिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, नहीं तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो उसका डिफरेंस देखेंगे, स्पीड का यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है सब देखेंगे. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, एमए लिख दिया है. ठीक है, मैं देखो मैं एक एक समझ रहा हूँ, तुम लोग लिख के चलो, उसका मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा. ओके, तो यहाँ पे पूरा क्रिस्टल क्लियर करके लिख दिया हूँ. ओके, तो देखो स्टूडेंट, क्या डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन. ठीक है, तो एक्चुअल पाथ जो है बॉडी का, सपोज ए, जैसे हम मैं जो प्रीवियस क्लास में जो बोला था, ये तुम्हारा होम है. ठीक है, और क्या है, प्रगति कॉलेज है. ठीक है, मान लो तो वहां पे जो एक्चुअल पाथ है, गवर्नमेंट जो रोड बनाया है, बोला था एग्जाम्पल, उसका जो एक्चुअल पाथ है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, तो एक्चुअल पाथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे, और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ठीक है, तो जो मैं प्रीवियस क्लास में मैं उन लोगों को ये बताया था. नहीं तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है इनिशियल टू फाइनल पोजिशन तक, वो होगा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन. और डिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली एस, ठीक है, एस के रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट ऑब्वियस अलजेब्रिक एडिशन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ऑब्वियसली हम स्केलर वेक्टर में पढ़े थे, तो ये क्या, एक अलजेब्रिक एडिशन, जैसे 2 + 3 = 5, तो अलजेब्रिक एडिशन को ओबे करेगा, दरअसल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, ना ये क्या करेगा, ना वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, वेक्टर एडिशन को ओबे करेगा, और इट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, तो कैसे, और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कैसे होगा, ना देखो सपोज मान लो डायग्राम करो, ए ईस्ट, ठीक है, साउथ, ए नॉर्थ, वेस्ट, ठीक है, साउथ. सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव किया एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन तक कितना, सपोज 3 मीटर तक मूव किया, और वहां से फिर नॉर्थ को 4 मीटर तक मूव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपली इट ओबेज द अलजेब्रिक एडिशन. तो 3 + 4 = 7 मीटर डायरेक्ट डिस्टेंस होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, उसके बीच में ये दोनों जो डायरेक्शन का 4 मीटर, जो नॉर्थ डायरेक्शन मीन ये डायरेक्शन में और ये, तो उसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस मीन थ्योरम यूज करेंगे, क्या कहते हैं हम वेक्टर में, ना 3√2 + 4√2 का रूट ओवर 9 + 16 का रूट ओवर 25 का रूट ओवर कितना है, ना 5 मीटर. ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है. तो ये डिस्प्लेसमेंट ओबे करेगा वेक्टर एडिशन को, दैट्स व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट ओबेज द अलजेब्रिक एडिशन, सिंपली ये है. ठीक है, आप जो भी फॉर्म मींस एग्जांपल लेकर आप समझ पाओगे. ठीक है, तो ये था, और इट इज क्या है, इट्स यूनिट इज एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में, यूनिट क्या है, मीटर है, और सीजीएस सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर है. ऑल्सो यहां पे देखो ये दोनों सेम है, यहां पे डिफरेंस नहीं आएगा, वो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला में सेम आएगा, यूनिट मीटर सेंटीमीटर, यहां पे मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि हम पढ़े थे जैसे कि लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, सपोज यहां से एक बॉडी ए टू बी कितना, सपोज ए टू ए डायरेक्शन में जा रहे हैं, मींस क्या, एक्स एक्सिस प्लस 10 किलोमीटर, और मीटर जो भी है. ठीक है, तो क्या यूनिट इज मीटर एंड सेंटीमीटर, ऑल्सो यूनिट
डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी सेम है। डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फिजिकल यूनिट मेजरमेंट में पढ़े थे ना, लेंथ एल के स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसका भी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। यहां पे देखो कॉन्सेप्ट आएगा कि इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज देखो ये क्या है, जो डिस्टेंस है ये देखो क्या है ना, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव नहीं हो पाएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट प्लस 10 किलोमीटर, ठीक है, तो प्लस 10 किलोमीटर मीन्स पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन में, मीन्स इतना डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, सपोज एक बड़ी स्ट्रेट लाइन डिरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डिरेक्शन में ए टू बी, ये स्ट्रेट लाइन डिरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर ए टू बी कितना है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर 10 किलोमीटर होगा। बॉडी सपोज स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ए टू बी कितना है 10 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में ही डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। बट यहां पे क्या बोला, इट कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव। ठीक है, यहां पे देखो कॉन्सेप्ट, सपोज ए टू बी प्लस 10 किलोमीटर गया, ठीक है, सपोज बी टू ई बॉडी फिर ऑपोजिट डिरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो देखो ये प्लस 10 किलोमीटर था, हम वेक्टर में पढ़े थे ना, क्या है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो प्लस 10 किलोमीटर ये डिरेक्शन है, तो बी टू ए यहां से जा रहे, ये इनिशियल पोजिशन, ये फाइनल पोजिशन, तो इनिशियल टू फाइनल 10 किलोमीटर, फिर फाइनल टू इनिशियल को कितना हुआ ना माइनस 10 किलोमीटर, ये सब लोग, तो ए टू बी उसका पॉजिटिव एक्सिस में था क्या प्लस 10 किलोमीटर, तो ये बी टू ए क्या माइनस 10 किलोमीटर, ये सब लोग। सो ए टू बी और बी टू ई, तो ये जो इनिशियल पोजिशन में ट्रैवल किया था फिर रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजिशन, तो 10 किलोमीटर इतना तक गया, फिर बी टू ए इतना तक गया, तो क्या होगा ना प्लस 10 माइनस 10 कितना होगा ना जीरो होगा। तो ये सपोज ये बॉडी यहां से ऐसे ये नेगेटिव डिरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा ये ना माइनस 10 किलोमीटर। दैट्स व्हाई इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और 10 प्लस माइनस 10, तो क्या होगा जीरो। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ना जीरो हुआ, बट डिस्टेंस कितना होगा ना 10 किलोमीटर गया यहां से, फिर एक ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर फिर आ रहा है, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ना डिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, तो ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस, ऑलवेज पॉजिटिव, बट इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट को याद रखो, नोट डाउन कर लो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे देखो ना, ये देखो ये मेनली 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर गया और फिर 10 किलोमीटर, हमें टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, ये इनिशियल पॉइंट में गया था और फिर इनिशियल पॉइंट में चला गया, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो 20 वहां पे बड़ा हो रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखो, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट, ओके। तो अभी हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेलोसिटी को जाएंगे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और एक सिंपल क्वेश्चन में कर रहा हूं देखो, मीन्स बहुत यूज होगा, एक क्वेश्चन मीन्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं ना, क्वेश्चन क्या है, सपोज ए बॉडी कवर्स 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, क्वेश्चन क्या है देखो, तो देखो यहां पे बॉडी कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन क्या दिया है ना, रेशियो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है इसका जो बॉडी का, तो वहां पे देखो क्वेश्चन को समझो, ये बॉडी कवर्स 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, मान लो ये एक सर्कल है, तो सर्कल का ये पाथ क्या है सर्कुलर पाथ है, मान लो बॉडी यहां पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्यों मैं ऐसा किया ना, देखो ये सेंटर पार्ट है,
कौन सी, सपोज टेंसर ये है तो उसका रेडियस कितना है, सपोज आर है, ठीक है, तो ए आर मीन्स ए भी रेडियस आर है। तो देखो ये एक दो तीन चार, तो जो चार पार्ट है ठीक है, वो चार पार्ट से एक पार्ट बड़ी कवर कर रहा है, ये पार्ट बड़ी कवर कर रहा है, तो वन बाय फोर हो गया, तो वन टू थ्री फोर से एक पार्ट बड़ी कवर कर रहा है, मींस ए टू बी। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बीच में रेशियो कितना होगा, क्वेश्चन का मीन्स क्वेश्चन वहां पर पूछा है, तो हमको फर्स्ट फाइंड आउट करना है डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करो फर्स्ट ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये टोटल सर्कल का ये क्या है, 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर, तो 2 पाई स्क्वायर है तो 1 बाय 4 है, मींस क्या होगा 2 पाई आर बाय 4, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, मैं शॉर्टेस्ट पाथ बोला था, तो ए टू बी जो है ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया हूं, ये जो है ए टू बी दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, उसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, ए आर है ये आर है, तो आर रो स्क्वायर प्लस आर रो स्क्वायर का रूट ओवर होगा, आर रो स्क्वायर प्लस आर रो स्क्वायर का रूट ओवर, 2 आर स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज रूट 2 इंटू आर, ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो क्या करना है हमको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा पाय आर बाय 2 हो जाएगा, तो पाय आर बाय 2 रूट 2 इंटू आर, आर कैंसिल कितना आया पाय बाय 2 रूट 2, तो रेशियो कितना है ना पाय इज 2 टू रूट 2 रूट 2, दैट इज योर आंसर, तो रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक क्वेश्चन आ गया, मान लो ये सर्कल ठीक है, बड़ी ए पॉइंट, ए पॉइंट बड़ी ए पॉइंट कितना बड़ी कवर कर रहे हैं यहां से इतना तक, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, फिर रेशियो पूछा है, तो ये देखो ये डिस्टेंस ए टू बी, ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, बट ए टू बी ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये सेंटर पार्ट, तो ये रेडियस आर मींस ये भी आर, ये भी आर, तो ये भी आर, ठीक है, तो यहां तक इतना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 2 पाई आर, मींस यहां से इतना तक हाफ कितना है पाई आर, और 2 पाई आर बाय 2 टू कैंसिल हो जाएगा पाई आर आएगा, बाय डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट में कर रहा हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बाय, देखो यहां से इतना तक शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्ट, तो आर प्लस आर कितना है 2 आर, तो आर आर कैंसिल, तो रेशियो कितना हो जाएगा पाय इज टू 2, तो ऐसे वाला सिंपल आराम से तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मीन्स आईडीजेई नेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीन शॉट, ओके, देन अभी हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी एक्चुअली रिमूव कर दिया है सिलेबस से, बट उनको जानना चाहिए, मैं तो पढ़ाऊंगा, जो भी रिमूव किया है सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, उनको जानना चाहिए कॉन्सेप्ट, जेई नीट के लिए भी हेल्प होगा, ठीक है, जैसे भी स्पीड वेलोसिटी आप लोग 9th 10th लेवल में सब बेसिक टर्म्स पढ़े हैं, ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, तो प्लीज गिव हेडिंग स्पीड, उसको हम सिंबल एक रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी सर से, ठीक है, तो आप सभी लोग मालूम है स्पीड क्या है, स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, नहीं फाइंड आउट करते हैं क्या, डिस्टेंस बाय टाइम मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो कितना टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, तो दोनों को रेशियो को हम मींस रेशियो फाइंड आउट कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा क्या तुम्हारा स्पीड, तो यहां पे लिख सकते हैं उसका डेफिनेशन, राइट डाउन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस
ट्रैवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड सो मीन्स स्पीड. ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? स्पीड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स डिस्टेंस को एस करेंगे, टी को टाइम यूनिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एस अपॉन टाइम. तो जैसे मान लो सपोज यहां पे एक बॉडी ए टू बी 20 मीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम तक? टाइम सपोज जस्ट टी टाइम इक्वल टू सपोज 4 सेकेंड, ठीक है, ओके. तो एस कितना है? 20 मीटर. तो कितना हो जाएगा ये स्पीड? एस बाय टी 20/4 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ऐसे डिस्टेंस सबको और टाइम, ये सब जो कंडीशन है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम, कंडीशन देखेंगे. एस टी गिवन दिया है, एस बी गिवन दिया है, ठीक है, तो हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में. तो क्या हो जाएगा ये, यहां पे ऐसे हम सिंपल स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके बाद उसका यूनिट देखेंगे, क्या मीटर पर सेकंड सभी लोगों को मालूम है ना? यूनिट, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड, दैट इज जो एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज जो सीजीएस, इसको एमकेएस भी लिखो, एमकेएस लिख दो, ठीक है. देन डायमेंशनल फॉर्मूला डी डॉट एफ सिंपल लिख दिया, तुम लोग लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज योर एल लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को बाय टी, क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन मीन्स एम जीरो एल वन टी माइनस वन, दैट इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला. डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड इट इज ऑलवेज द स्केलर एडिशन, ऑल्सो इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. सो it is a scalar quantity having magnitude only, ठीक है, लिख के चलो नोट कॉपी में. ओके, देन उसका हो गया स्केलर क्वांटिटी, यूनिट डायमेंशन हो गया. देन हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल्स में हेल्प आएगा, वो एवरेज स्पीड. क्या है एवरेज स्पीड? वो फॉर्मूला क्या है ना? टोटल डिस्टेंस बाय क्या है? टोटल टाइम. ओके, तो सपोज एक बॉडी S1 डिस्टेंस तक कवर कर रहा है, उसका टाइम T1 है, और एक बॉडी S2 डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, उसका टाइम T2 है, तो दोनों को एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सपोज टोटल डिस्टेंस क्या है? S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2, ये फॉर्मूला में हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसका एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है. ओके, और एक आएगा दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो हम देखेंगे सपोज मान लो एक पर्सन हमारा प्रगति कॉलेज में स्टार्ट हुआ और वो ट्रैवल स्टार्ट किया सपोज 11 बजे, तो तुम जो भी एक स्टूडेंट और जो भी एक पर्सन देखा जी क्या ना, वो 11 बजे 2 किलोमीटर पर आवर में स्टार्ट हुआ उसका बाइक या कार जो भी है, ठीक है. उसके बाद सपोज 11:30 में एक चौक को पहुंच गया, वहां पे एक पर्सन देखा उसका स्पीड कितना था ना, 20 किलोमीटर पर आवर. तो उस टाइम में पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड फाइंड आउट की, जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में लोग फाइंड आउट की, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. मीन जो बॉडी का स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 11 बजे 2 किलोमीटर पर आवर में था, 11:30 में क्या हो गया, 11:30 में 20 किलोमीटर पर आवर में. तो ये टाइम में 11 बजे और 11:30 को जो टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. उसका एग्जांपल क्या होगा, तुम्हारा जो स्पीडोमीटर बाइक और जो कार का जो स्पीडोमीटर होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में जो, दैट इज योर एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो वहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट डाउन द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ
टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जांपल क्या होगा ना तुम्हारा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर एग्जांपल होगा। उसका फॉर्मूला होगा ये आएगा तुम्हारा ds बाय dt, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको टाइम डेरिवेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन कैलकुलस, डिफरेंशियल डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स देखेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और नेक्स्ट क्लास में उसका ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसका बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर, ठीक है। तो सिंपल है, तो क्या था ना स्पीड के बारे में जस्ट उसका कंसेप्ट डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट्स वगैरह था, ठीक है। तो इसे सिंपल स्पीड के हिसाब से वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो राइट डाउन वेलोसिटी क्या करेंगे, स्पीड जगह में वेलोसिटी लिखो, कैपिटल बी को दे दो सिंबल, स्पीड जगह में वेलोसिटी लिखो और डिस्टेंस जगह में डिस्प्लेसमेंट लिखो, हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ओके। तो यहां पे लिखो वेलोसिटी, यूनिट डायरेक्शन सेम रहेगा, डिस्टेंस जगह में क्या होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड जगह में वेलोसिटी लिखो, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। वहां पे भी लिखो वेलोसिटी, बस जस्ट स्पीड को रिमूव कर दो, इरेज कर दो, और डिस्टेंस को इरेज करके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लिख दो, वहां पे क्या होगा द वेलोसिटी द पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो इसे भी हम डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देंगे, क्या होगा ना स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज योर द कांसेप्ट, नोट डाउन कर दो, बस इतना तुम्हारा स्पीड एंड वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे ना लेक्चर नंबर 3 में बेसिक मैथ्स यूज इन फिजिक्स, दैट इज योर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सम अलजेब्रिक फॉर्मूलेस एंड सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हम देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हम देखेंगे, ठीक है। और उसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़े थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हम 4 इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड, देन जनरल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड को मींस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल से ज्यादा आएगा, ओके। तो यहां तक आज लेक्चर नंबर 2 है, यहां पे कल लेक्चर समाप्त करता हूं वहां पे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेसिक मैथ्स यूज इन फिजिक्स, ओके। तो स्टे सेफ यू ऑल, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ओके, मुस्कुराए के पढ़ाई करो, फिजिक्स अच्छा होगा, अरे इश्क मोहब्बत हो जाएगा, फिजिक्स पी मीन्स प्यार, ओके। तो फिजिक्स इज लव फॉर मी, लव फॉर अस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट होने लगेगा, ओके। तो चलो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ, तो स्टे सेफ यू ऑल, थैंक यू।